Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, खबर एक बड़ी ही अजीब और शॉकिंग न्यूज आ रही है, तो उस न्यूज के ऊपर बात करते हैं बिना दिमाग का। कैप्टन निशांत सिंह मलकानी नहीं रहा कैप्टन। तो पहले भाई गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, निशांत सिंह मलकानी कप्तान बने, पहले तो ये लग रहा था कि बहुत दिमागदार आदमी है भैया, बहुत ब्रेन के साथ उसने कैसे दोनों ही टीमों में घुस घुस के बंदे सेट किए और अंत में जाके स्ट्रेटजी लगा लगा के कप्तान बन गया। अब ये देखना होगा कि ये इनकी स्ट्रेटजी खुद की थी या बाकियों की, क्योंकि ये बाद में पता चला कि निशांत सिंह मलकानी तो सिर्फ महज एक कठपुतली है, कप्तान तो कोई और ही है। तो किस तरीके से रूबीना दिलाय के इशारों पे नाचने लगे निशांत सिंह मलकानी पर। लेकिन भैया, बिग बॉस का घर है तो यहाँ पे कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। तो निक्की तंबोली गुस्से में भर के ग्रीन जोन की मोह मोहब्बत, ग्रीन जोन का ऐशो आराम छोड़ के तोड़ के सारी दीवारें कूद जाती है और चली जाती है रेड जोन में। तो ये बहुत बड़ा नियम का उल्लंघन था और उसके पीछे ही जान कुमार सानू भी, कि तू अगर नरक में रहेगी तो भैया मैं भी नरक में ठीक हूं, वो भी पीछे पीछे दीवार फांद के चले जाते हैं। और जैसे कहते हैं कि रोम जल रहा है और नीरो बंसरी बजा रहा है, तो नीरो यानी कि अपने कप्तान साहब उधर बैठे गप्पे हांक रहे हैं अभिनव शुक्ला रूबीना दिलायक से। फिर रूबीना दिलायक उसको एहसास करवाती हैं उसकी जिम्मेदारी का, कि तेरे को जाना चाहिए, तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरे पे आ जाएगी कल को बात। तो फिर वो उसको चीजें उसकी जागती हैं, अंदर से जिम्मेवारी का एहसास आता है, तो वो वहां पे चले जाते हैं। तो पहली गलती तो कि ये रूल ब्रेक हुआ कप्तान के होते और कप्तान को कुछ पड़ी ही नहीं है। फिर कप्तान जाते हैं, फिर उसको कहते हैं, समझाते हैं कि निक्की आ जा, तू निक्की आ जा, हम बात करेंगे। लेकिन फिर भी रूबीना दिलायक उसको गाइड करती है कि तू एक काम कर, इसको धमकी दे, इसको कह के तेरा पूरा सामान जो है मैं बीबी मॉल में बंद कर दूंगा, तो तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। वो फिर वही करता है, यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल निशांत सिंह मलकानी नहीं करते हैं। तो ये दूसरी निशांत सिंह मलकानी की गलती हो जाती है कि रूबीना के कहने पे वो वहां जाते हैं और निक्की तंबोली को ये धमकियां देते हैं और वैसा करते हैं। और उसके बाद गलती नंबर तीन कि निशांत सिंह मलकानी अभिनव शुक्ला के साथ अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं और जबकि इंग्लिश बोला, कप्तान ही जब इंग्लिश बोलेगा तो भाई बाकियों का क्या होगा। तो ये गलती होती है निशांत सिंह मलकानी की। और उसके बाद अभिनव शुक्ला आराम से बिना माइक पहने बैठे हैं और निशांत सिंह मलकानी उनके साथ इधर उधर की गप्पे हांक रहे हैं, उन कोई भी नहीं कुछ नहीं कहते। कप्तान के सामने ही जब ये चीजें हो रही है तो कप्तान काहे का। तो इसके लिए निशांत सिंह मलकानी के से उनके सारे अधिकार, कप्तानी के अधिकार छीन लिए गए हैं, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन ये बिग बॉस 14 है भैया, इसमें ऐसी बातें होनी थी, मुझे लगता था कि ये कप्तान ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।